ओके सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे एक चैनल पर। फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में यहाँ पर हम करने वाले हैं अनबॉक्सिंग। मेरे को अनबॉक्सिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है एंड यहाँ पर हमारे पास एक प्रोडक्ट है, ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है एंड काफ़ी बेहतरीन प्रोडक्ट है। किन लोगों के लिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं किन लोगों के लिए प्रोडक्ट अच्छा होने वाला है। ये प्रोडक्ट अच्छा होने वाला है जितने भी यूट्यूबर्स हैं एंड जितने भी गेमर्स हैं उन सभी के लिए। अब वो कैसे, क्योंकि जो लोग कंप्यूटर या लैपटॉप यूज़ करते हैं एडिटिंग के लिए, गेमिंग के लिए या अपना पर्सनल यूज़ के लिए, या मतलब जितने भी कंप्यूटर और लैपटॉप वाले यूज़र्स हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग प्रोडक्ट है। यहाँ पर हमने ब्लेड भी ले लिया है और काफ़ी ध्यान से हम इसको जो है अनबॉक्स करते हैं, पीछे की तरफ से करेंगे बिकॉज अब मेरे को जो एडिटिंग में थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी, ब्लर वगैरह डालना नहीं पड़ेगा ज़्यादा। खैर मैंने आपको प्रोडक्ट के बारे में तो बताया नहीं एंड उसके बारे में बताने से पहले यार हम इसका गिव अवे भी कर देंगे, बट उसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो कि आपको फॉलो करनी पड़ेंगी एंड अगर उस तरीके से होता है तो फिर हम डेफिनेटली आप में से किसी एक यूज़र को ये जो है गिव अवे कर देंगे। यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट है, अब प्रोडक्ट के बारे में बता देते हैं, ये प्रोडक्ट है एक SSD एंड यहाँ मैं बता रहा था कि SSD बहुत ज़्यादा फास्ट होती है एज़ कम्पेयर टू हार्ड डिस्क। मेरे पे एक हार्ड डिस्क भी है, आई थिंक 2GB की है, 2 TB की है एंड ये हमें देखने को मिलती है 240GB की। कैपेसिटी वाइज ये थोड़ा कम होती है बट इतनी ज़्यादा फास्ट होती है ना ये, मतलब हार्ड डिस्क के कंपेरिजन में आप कह सकते हो बहुत ज़्यादा फास्ट है। मैं इसके उदाहरण भी आपको दूंगा आगे वीडियो में। सबसे पहले इसको जो है अनबॉक्स कर लेते हैं, अनरैप कर लेते हैं, बॉक्स तो अपने कर दिया। ऑलराइट, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लेक्सर NS10 लाइट एंड यहाँ पर लिखा हुआ है 6GBPS की इसकी स्पीड देखने को मिल जाती है एंड यहाँ पर इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन है एंड ये 240GB की है। ये कैपेसिटी वाइज हार्ड डिस्क के कंपेरिजन में कम होती है बट अगेन मैं आपको बता दूँ बहुत ज़्यादा फास्ट होती है क्योंकि ये इसके अंदर कोई भी ऐसा मूविंग पार्ट नहीं होता। उसके अंदर हार्ड डिस्क के अंदर जो है एक डिस्क होती है जो मूव हो रही होती है एंड एक RPM होता है, लाइक 7200 RPM होता है मैक्सिमम, यही RPM आता है। 12000 RPM की जो हार्ड डिस्क आती थी वो इतनी ज़्यादा बेटर तरीके से मतलब काम नहीं कर पाई। खैर नॉर्मली जो अच्छा RPM हमें देखने को मिलते हैं 7000 RPM के आसपास ही देखने को मिलते हैं एंड वो मूवमेंट मूव होती रहती है एंड उसके अंदर एक मूवमेंट होता रहता है तो उससे भी वो जो है टाइम टू टाइम उसकी स्पीड और कम हो जाती है। हालांकि यहाँ पर ऐसा कोई सीन नहीं है, इसके अंदर कोई ऐसा मूविंग पार्ट नहीं होता एंड ये वेट में भी काफ़ी ज़्यादा लाइट होती है एंड बहुत ज़्यादा फास्ट होती है एक हार्ड डिस्क के कंपेयर। यहाँ पर जब आप पैकेज को ओपन करेंगे तो आपको पैकेज ओपन करने के बाद में आपकी जो SSD है वो मिल जाएगी, काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है एंड काफ़ी अच्छी क्वालिटी में आपको देखने को मिल जाती है एंड यहाँ पर इसके अलावा हमें एक यूज़र मैनुअल देखने को मिल जाता है जो कि डिफरेंट लैंग्वेजेस में है। अगर आप चाहें तो उसको पढ़ सकते हैं, नॉर्मली आप इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ करेंगे इंग्लिश में भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। काफ़ी अच्छी बात है कि अलग अलग लैंग्वेजेस में यहाँ पर इन्होंने जो है यूज़र मैनुअल को दिया हुआ है। ये हमारी SSD है एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा सही है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी की यहाँ पर आपको ये प्रोवाइड करा रहे हैं एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जिस प्राइस पॉइंट पर आता है वो बहुत ही ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी इसको कर देता है। एक बार आप लिंक चेक कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। 240GB यहाँ पर आप देख सकते हो, NS10 लाइट इसका मॉडल नंबर है, 6GBPS की यहाँ पर इसकी स्पीड देखने को मिल जाती है। अगर आप एक हार्ड डिस्क यूज़ कर रहे हो ना अपने लैपटॉप या PC में, अगर आपने एक SSD इंसर्ट कर दी हार्ड डिस्क के जगह, तो आपको ऑलमोस्ट 50-60% इम्प्रूवमेंट नज़र आएगा या फिर आप कह सकते हो कि आपके लैपटॉप में लिटरली रॉकेट लग जाएंगे, इतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। और मैं यहाँ पर आपको एक बात और बता दूँ कि लेक्सर ही एक ऐसी कंपनी है जो आपको सर्विस सेंटर प्रोवाइड कराती है पूरे हिंदुस्तान में 90 से भी ज़्यादा। लेक्सर एक ऐसी कंपनी है जो काफ़ी प्रीमियम SSD आपको प्रोवाइड कराती है काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में एंड और भी काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं जो ये काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में प्रोवाइड कराते हैं। और इसकी रीड राइट स्पीड की अगर बात की जाए, जब मैंने इसको टेस्ट किया तो यहाँ पर हमें ऑलमोस्ट 500 MB+ जो है इसकी रीड स्पीड देखने को मिली थी एंड अंडर 500 MB जो है इसकी राइट स्पीड देखने को मिली थी, बट कंपनी क्लेम करती है ऑलमोस्ट 500 MB के आसपास ही आपको जो है रीड और राइट दोनों ही स्पीड देखने को मिलती है और वही चीज़ हमें देखने को मिली। तो काफ़ी ज़्यादा फास्ट है एंड बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, तो आप डेफिनेटली यहाँ पर इसको कंसिडर कर सकते हो। अगर आपके पास है कोई PC या कोई भी लैपटॉप है, आप अपने पुराने PC में तो एक बार ज़रूर से इंसर्ट करके देखना, उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट नज़र आ जाए। अगर आपका जो सेट है हैंग हो रहा है तो उस केस में ये एक चमत्कार से कम नहीं है
तो ज़रूर से ट्राई कर सकते हो एंड बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस पे है। एंड रही बात की बबई की, तो मैं ज़्यादा कुछ डिमांड नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ 2000 लाइक्स डिमांड कर रहा हूँ। अगर 2000 लाइक इस पर आ जाती है एंड 200 कमेंट्स, तो मैं डेफिनेटली इसका जो विनर है वो अनाउंस कर दूँगा इस वीडियो पे। तो एक अच्छा सा कमेंट कर देना, लाइक कर देना इस वीडियो को, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ में शेयर कर देना। एंड मिलता आपसे किसी अच्छे अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में। सी यू माय नेक्स्ट वीडियो। एंड रही बात की बबई की, तो मैं ज़्यादा कुछ डिमांड नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ 2000 लाइक्स डिमांड कर रहा हूँ। अगर 2000 लाइक इस पर आ जाती है एंड 200 कमेंट्स, तो मैं डेफिनेटली इसका जो विनर है वो अनाउंस कर दूंगा इस वीडियो पे। तो एक अच्छा सा कमेंट कर देना, लाइक कर देना इस वीडियो को।